हाय स्टूडेंट्स, जो टॉपिक आज हम दीक्षालय इंस्टीट्यूट में शुरू करने वाले हैं वो है हमारा सिक्स्थ यूनिट से रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। यूनिट है हमारी रिप्रोडक्शन और यहाँ जो हम शुरू करने वाले हैं वो है आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट ऑफ द यूनिट सिक्स, दैट इज रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले ऑर्गेनिजम्स का रिप्रोडक्शन समझने से पहले मैं आप लोगों को टर्म एक्सप्लेन करूंगी जिसको हम कहते हैं रिप्रोडक्शन। मतलब बेसिकली वेन एवर यू आर टॉकिंग अबाउट रिप्रोडक्शन या फिर जब भी हम टर्म बोलते हैं रिप्रोडक्शन, इसका मतलब एक्चुअली क्या होता है ये हमें सबसे पहले समझना है। क्या है भाई, जब भी आपने बोला इस अर्थ पे एक लाइफ को सेट करने के लिए, एक लाइफ की कंटिन्यूटी को मेंटेन करने के लिए हमने एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस हमारी बॉडी में सेट किया है जिसे हम क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन कहते हैं। मतलब क्या है भाई, जब भी आप एक रिप्रोडक्शन की बात करें तो किसी भी ऑर्गेनिज्म का एक नया ऑर्गेनिज्म बनाकर एक लाइफ की कंटिन्यूटी को सेट करना ही रिप्रोडक्शन कहलाता है। मतलब लॉजिकल सी बात है, री का मतलब मैं अगर रिप्रोडक्शन को डिफाइन करूं तो टर्म को अगर मैं देख के समझने की कोशिश करूं तो क्या है, री का मतलब होता है रिपीट, मतलब दोबारा, और प्रोडक्शन का मतलब है बनना। ये है हमारा दोबारा और ये है हमारा बनना। मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म का एक ऑर्गेनिज्म से दो ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाना ही क्या कहलाता है, रिप्रोडक्शन कहलाता है। और जब भी आप रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स इस वर्ल्ड में प्रेजेंट हैं, ये एक ऐसा फिनोमेना है कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के थ्रू ये प्रोसेस है ये परफॉर्म करवाया जाता है। मतलब अगर कोई भी, हम एक छोटी सी बात बोलते हैं कि भाई कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म इफ़ दे आर नॉट रिप्रोड्यूसिंग तो वो ऑर्गेनिज्म आपका लिविंग ऑर्गेनिज्म कहलाएगा ही नहीं। मतलब इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द लाइफ, दैट इज़ वॉट, दैट इज़ द प्रोडक्शन ऑफ अ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द प्रीवियस वन। किसी भी ओल्डर पार्ट से, किसी भी पुराने ऑर्गेनिज्म से एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाना ही आपका क्या कहलाता है, रिप्रोडक्शन कहलाता है। अब जब भी हम रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो रिप्रोडक्शन को शुरू करने से पहले, या फिर जैसे मैंने आपको टर्म बताया कि हमेशा हमें क्या पढ़ना है किस चैप्टर के अंदर, वो हमें नाम से समझ में आ जाता है। तो इस पूरे चैप्टर में क्योंकि कोई स्पेसिफिकेशन नहीं दिया है, मैंने यहाँ पर ऑर्गेनिज्म टर्म लिखा है। ऑर्गेनिज्म का मतलब है जितने भी इस वर्ल्ड में लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं, ये सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स अपनी लाइफ को की कंटिन्यूटी कैसे सेट करते हैं तो वो डिपेंड करता है आपका, अलग अलग ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म चेंज होता जाता है। अब जब भी आप इस चेंज की बात करते हैं तो ये चेंज हमारा किसके थ्रू परफॉर्म करवाया जा रहा है, अलग तरीके के प्रोसेसेस जो कि हमारी बॉडी में ऑल द टाइम जो हैं वो रन करते रहते हैं। अब सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला, रिप्रोडक्शन इज वन ऑफ द फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर, या फिर मैं बोलूँ कि एक फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो है वो क्या है, हमारा रिप्रोडक्शन है। ये हमारा एक नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करता है, मतलब बेसिकली इट इन्वॉल्व्स द फॉर्मेशन ऑफ अ यंग वंस। किसी भी नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करना बाय द ग्रोन अप इंडिविजुअल, मतलब जो इंडिविजुअल ग्रो हो चुका है, लाइक द फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू यंग वन फ्रॉम मी, मतलब मुझसे एक नए यंग वन का डेवलप कर जाना, मतलब एक ग्रोन अप पर्सन से या एक ग्रोन अप ऑर्गेनिज्म से एक यंग वन का फॉर्मेशन, एक यंग वन की सिंथेसिस ही क्या कहलाती है, हमारा रिप्रोडक्शन कहलाता है। और ये क्या करता है, ये बेसिकली हेल्प्स इन सेटिंग द कंटिन्यूटी ऑफ द लाइफ। मतलब सिग्निफिकेंस हमसे पूछ लिया जाता है कि भाई वॉट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ रिप्रोडक्शन, या रिप्रोडक्शन आप क्यों करवा रहे हो, क्यों परफॉर्म करवाया जा रहा है, तो इसका छोटा सा जवाब हम क्या देते हैं, टू मेंटेन द और टू सेट द कंटिन्यूटी ऑफ द लाइफ वी रिप्रोड्यूस,
या फिर द लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। आप इस रिप्रोडक्शन को समझने से पहले मैं एक टर्म आप लोगों को और इंट्रोड्यूस करवाऊंगी, क्योंकि रिप्रोडक्शन को डिटेल में ही पढ़ना है, हमें पूरे चैप्टर में ही रिप्रोडक्शन पढ़ना है, और इवन आगे की जो तीन यूनिट्स चैप्टर्स हैं इसको छोड़ के बाकी के जो तीन चैप्टर्स और हैं उसमें भी हमें सिर्फ रिप्रोडक्शन के बारे में ही जानना है। तो जब भी आप रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो रिप्रोडक्शन को समझने से पहले हम इससे पहले एक टर्म समझेंगे जिसको हम कहते हैं हमारा लाइफ स्पेन। भाई सबसे पहला टर्म है लाइफ स्पेन। क्वेश्चन मेरा यही है कि वेन एवर यू आर टॉकिंग अबाउट द रिप्रोडक्शन तो उससे पहले समझना पड़ेगा एक लाइफ के बारे में, और उस लाइफ को समझते हैं हम लाइफ स्पेन से। लाइफ स्पेन क्या है भाई किसी भी ऑर्गेनिज्म का? द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू द डेथ, मतलब एक वो पीरियड किसी भी ऑर्गेनिज्म के बर्थ से, मतलब पैदा होने से लेके टिल इट्स डेथ, उसके मरने तक का जो टाइम पीरियड होता है वही टाइम पीरियड हमारा लाइफ स्पेन कहलाता है। तो मैंने क्या बोला? मैंने बोला द पीरियड फ्रॉम द बर्थ टू द नेचुरल डेथ ऑफ अ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड इट्स लाइफ स्पेन। अब जो लाइफ स्पेन है किसी भी ऑर्गेनिज्म की, ये कितनी लंबी होती है भाई या कितनी बड़ी होती है, एक बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है कि भाई आप बात कर रहे हो लाइफ स्पेन की, तो व्हाट डू यू मीन बाय लाइफ स्पेन? लाइफ स्पेन क्या है? तो द बर्थ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, सॉरी द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू द नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, रिप्रेजेंट लाइफ स्पेन। क्या रिप्रेजेंट करता है? लाइफ स्पेन रिप्रेजेंट करता है, मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म का पैदा होने से लेके उसकी नेचुरल डेथ तक का जो टाइम पीरियड होता है वही टाइम पीरियड हमारा क्या कहलाता है? सिंपल सी बात करें तो लाइफ स्पेन कहलाता है। नाउ जब भी आप लाइफ स्पेन की बात करते हैं तो मैं बात करती हूँ भाई आप मेरी टाइम लाइफ स्पेन को कितने एजेस में डिवाइड किया भाई, मतलब कितने एजेस में आप बता रहे हैं? तो बहुत सिंपल सा जवाब है कि भाई 75 to 80 या 70 to 80, ये एक एवरेज है। लेकिन अगर हम इस वर्ल्ड में, क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट द ऑर्गेनिजम्स हियर बट नॉट द ह्यूमंस, और स्पेसिफिक किसी और किसी ऑर्गेनिज्म की बात नहीं कर रहे, हम एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात कर रहे हैं, तो जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म इस वर्ल्ड में प्रेजेंट हैं ये सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या एक ही लाइफ स्पेन को शो करते हैं? कि भाई मैंने बोला कि इफ़ मेरा लाइफ स्पेन 72 या फिर 60 to 80 ईयर्स है, तो क्या जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होंगे इस वर्ल्ड के अंदर क्या वो सारा का सारा ऑर्गेनिज्म यही एक स्पेन को शो करने का काम करता है? तो हमारा जवाब है नहीं भाई, डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स शो डिफरेंट लाइफ स्पेन। जैसे आपका जो लाइफ स्पेन है किसी भी ऑर्गेनिज्म का, एक जनरल बात कर रही हूँ मैं डिफरेंट ऑर्गेनिज्म से, ये आपका वेरी करता है फ्यू मिनट्स टू कुछ कुछ घंटे बोले या कुछ मिनट से लेके आपका थाउजेंड्स ऑफ ईयर तक का लाइफ स्पेन ऑर्गेनिजम्स में देखने को मिलता है, फ्यू मिनट्स टू थाउजेंड्स ऑफ ईयर। हजारों सालों तक क्या करते हैं, मतलब कुछ मेंबर्स हैं जो कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं जो कुछ मिनट्स में ही मतलब बर्थ लेते हैं, अपने लाइफ को कम साइकिल को कंप्लीट करते हैं और ख़त्म हो जाते हैं, डेथ हो जाती है। तो वो फ्यू मिनट से लेके थाउजेंड्स ऑफ ईयर, हम ट्रीज़ की बात करें, आपके डिफरेंट ट्रीज़ हैं, लाइक हमारे सिंपल बोलें कि क्रो की बात करें या फिर आप बैनियन ट्री की बात करें, बनाना ट्री की बात करें, दो 10 साल 12 साल 15 साल। फिर उसके बाद हम बात करते हैं आपके पीपल के ट्री की, या फिर हमने मोर्फोलॉजी में भी जायंट रेडवुड सीक्वा का नाम पढ़ा था, वो सीक्वा का जो लाइफ स्पेन है वो लगभग 3000 से 4000 साल तक है। क्लियर? तो
कुछ हजारों साल तक, थाउजेंड्स ऑफ ईयर की भी बात कर रहे हैं, और कुछ जो है आपके फ्यू मिनट्स में, मतलब कुछ ही दिनों, कुछ ही घंटों में ख़त्म हो जाते हैं. लाइक कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बात करूँ मैं, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की लाइफ स्पेन होती है कुछ घंटों की. फिर हम बात करते हैं कुछ इंसेक्ट्स की या फिर फ्लाई की, मिनट्स की होती है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की. कुछ इंसेक्ट्स की या फिर फ्लाइज की बात करें तो कुछ घंटों में, एक मतलब बेसिकली 12 घंटे, 14 घंटे, 15 घंटे, 24 घंटे, मतलब विद इन अ वन डे वो अपनी लाइफ साइकिल को क्या कर देंगे, कंप्लीट कर देंगे. तो इम्पॉर्टेंट है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कुछ मिनट्स में ख़त्म हो जाते हैं. आप मे फ्लाई की बात कीजिए या फिर आप आपका सिंपल बटरफ्लाई की बात कीजिए, तो बटरफ्लाई का जो लाइफ स्पेन है वो टोटल लगभग रहता है 1 से 2 वीक, मतलब 1 से 2 हफ्ते सिर्फ. क्लियर. फिर मैंने आपको बताया 10 साल, 15 साल, 14 साल क्रो हैं, पैरट्स हैं, बनाना ट्री है, इनका लाइफ स्पेन लगभग 10 से 15 साल होता है. फिर हम जायंट रेडवुड सीक्वा की बात करें, जो हमने आपका जिम्नोस्पर्म्स में पढ़ाया था, और उसके अलावा मैं आपको बात करूँ किसकी, बैनियन ट्री की, तो या फिर पीपल ट्री की, तो 200-300 साल है बैनियन ट्री. आप पीपल की बात करें तो 2000 से 3000 साल है. आप सीक्वा की बात करेंगे तो 3000 से 4000 साल है. तो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो लाइफ स्पेन है वो उन ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करता है, और उन्हीं पर डिपेंड करने के साथ साथ हर ऑर्गेनिज्म का जो लाइफ स्पेन होगा वो एक अलग होगा. क्लियर. अब जब भी आप डिफरेंट जगहों पर लाइफ स्पेन की बात कर रहे हैं, तो जो लाइफ स्पेन है किसी भी मेंबर का, उसको हम टोटल 4 फेजेस में जो है वो डिवाइड कर देते हैं. सबसे पहले होती है आपकी जुवेनाइल फेज, दूसरी होती है आपकी मैच्योर्ड फेज, तीसरी होती है आपकी ओल्ड फेज, या फिर इसको हम सेनेसेंट एजिंग फेज भी कहते हैं, और फोर्थ फेज होती है हमारी डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म के लाइफ स्पेन को हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया. लाइफ स्पेन कैन बी डिवाइडेड इंटू द 4 पार्ट्स. मतलब मैं अपनी लाइफ को टोटल कितने पार्ट्स में डिवाइड करती हूँ, 4 पार्ट्स में डिवाइड करती हूँ. सबसे पहले मेरा फेस था, जो कि जब मैं पैदा हुई थी, जो बर्थ हुआ था, वो कहलाता था मेरा जुवेनाइल फेस. आफ्टर बर्थ बात कर रहे हैं, लाइफ स्पेन का मतलब ही क्या है, पीरियड फ्रॉम बर्थ टू द नेचुरल डेथ. तो जो मेरा बर्थ था, बर्थ के बाद जो फेस थी मेरी, वो जुवेनाइल फेस थी. जुवेनाइल फेज के बाद हमारी जो सेकेंड फेज आती है वो कौन सी फेज आती है, मैच्योरिटी. इसके बीच में ग्रोइंग भी होती है. फोर्थ हमने बात करी एजिंग. एजिंग का मतलब क्या होता है, बुढ़ापा. और सेनेसेंट या फिर सेनेसेंस. और लास्ट है हमारा डेथ. मतलब जुवेनाइल फेज से शुरू करके हम किसी भी ऑर्गेनिज्म की नेचुरल डेथ तक पहुंचने का काम करते हैं. तो सिंपल आपने बात करी लाइफ स्पेन को, तो लाइफ स्पेन को यू हैव डिवाइडेड इनटू द 4 स्टेजेस ड्यूरिंग बेसिकली जुवेनाइल फेज. जुवेनाइल फेज को हमने, जुवेनाइल है, फिर मैच्योरिटी है, मैच्योरिटी के बाद आपका एजिंग है, और एजिंग के बाद आपका डेथ है. नेक्स्ट मैं बात कर रही हूँ आपका किसका, जुवेनाइल फेज की. जब भी आप जुवेनाइल फेज की बात करते हैं तो इट इज द स्टेज ड्यूरिंग विच ऑर्गेनिज्म डेवलप्स द कैपेसिटी टू रिप्रोड्यूस. मतलब रिप्रोडक्शन कर नहीं रहा है पर डेवलपिंग टू रिप्रोड्यूस. ऑर्गेनिज्म डेवलप टू रिप्रोड्यूस. रिप्रोड्यूस करने के लिए क्या कर रहा है, डेवलप कर रहा है. तो जो डेवलपमेंट बना आपका वो किस फेज में बना, जुवेनाइल फेज में. तो मैं क्या बोल रही हूँ, ड्यूरिंग दिस स्टेज ऑर्गेनिज्म डेवलप्स द कैपेसिटी टू रिप्रोड्यूस. ऑर्गेनिज्म डेवलप्स द, सिंपल लिख ले, पूरा कंप्लीट कर देती हूँ, द कैपेसिटी टू रिप्रोड्यूस. मतलब रिप्रोड्यूस करने की कैपेसिटी को डेवलप करने की स्टेज को ही हम क्या कहते हैं, आपका जुवेनाइल फेज कहते हैं. सेकंड मैं बात कर रही हूँ मैच्योरिटी. यहां पर मैच्योरिटी पीरियड में रिप्रोडक्शन जो है वो शुरू हो जाता है. सिंपल क्या मेंशन कर रहे हैं, रिप्रोडक्शन बिगिंस.
रिप्रोडक्शन इस स्टेज में क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है। अब लॉजिकल सी चीज है, एक स्टेज में हम रिप्रोडक्शन शुरू करवा रहे हैं, मतलब शुरू करने की तैयारी कर रहे हैं, दूसरे स्टेज में हम रिप्रोडक्शन करवा रहे हैं, तो तीसरे फेज में जो आपका सेनेसेंस फेज है, ये आपका लगातार डिटरेशन होता है हमारी बॉडी का रिप्रोडक्शन से, मतलब वो फेज, या फिर आप सिंपल बोल सकते हैं प्रोग्रेसिव डिटरेशन इन द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। बेसिकली इसको कैसे समझा जाता है, इसको समझा जाता है आपका रिप्रोडक्शन खत्म होने से। और लास्ट स्टेज जो हमारी बचती है वो है हमारी डेथ। डेथ का मतलब क्या है, जो ऑर्गेनिज्म है, जो सेनेसेंट है, अब किसी ऑर्गेनिज्म की अगर पहली चीज तो सेनेसेंट लीड्स अस टू द डेथ। सेनेसेंस हमें कहाँ तक लेके जा रही है, सेनेसेंस हमें डेथ तक लेके जा रही है। मतलब अगर किसी ऑर्गेनिज्म की सेनेसेंट फेज शुरू हो चुकी है तो व्हाट डज इट मीन, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि द ऑर्गेनिज्म विल नाउ अल्टीमेटली लीड्स टू इट्स टुवर्ड्स इट्स डेथ। मतलब कहाँ तक ले जाया जा चुका है, डेथ के टुवर्ड्स ले जाया जा चुका है। क्लियर? तो लाइफ स्पेन को हमने चार पार्ट्स में डिवाइड किया, और यही जो चार पार्ट्स हैं ये आपके ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म, अब भी कैसे डिवाइड किया है आपने, तो आपने डिवाइड किया है बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ द एनवायरमेंटल फैक्टर, ऑन द बेसिस ऑफ द इंटरनल बॉडी डिजाइन, एक्सटर्नल बॉडी डिजाइन, इन सब के बेसिस पे ही ये जो लाइफ स्पेन है किसी भी मेंबर की ये अलग होती है। मतलब जुवेनाइल फेस का जो पार्ट है वो अलग होगा, मैच्योरिटी फेज अलग होगा, एजिंग फेज अलग होगा, डेथ फेज अलग होगा। इसी वजह से लाइफ स्पेन कुछ मिनट से लेके थाउजेंड्स ऑफ ईयर तक की हमें मिलती है। क्यों? क्योंकि इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी उसको इफेक्ट करने का काम करते हैं। अब किसी भी ऑर्गेनिज्म का रिलेशन, लाइक हम बात करें लाइफ स्पेन का जो ऑर्गेनिज्म है ये साइज से भी कनेक्टेड नहीं होता। मैंने बोला इन्वायरमेंटल कुछ फैक्टर्स हैं बट इट इज नॉट कनेक्टेड विद द साइज ऑफ द ऑर्गेनिज्म, कि भाई साइज के अकॉर्डिंग किसी भी पर्सन का लाइफ स्पेन होगा, तो ये गलत है। मतलब अगर कोई ऑर्गेनिज्म बहुत बड़ा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो बहुत सालों जिएगा, और अगर बहुत छोटा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि बहुत कम जिएगा। जैसे मैं बात करूँ, मैंगो ट्री हैज़ अ मच शॉर्टर लाइफ स्पेन एज कम्पेयर टू द पीपल ट्री। मतलब मैंगो ट्री का जो लाइफ स्पेन है वो बहुत कम होता है पीपल ट्री के मुकाबले, तो साइज से कोई रिलेशन यहाँ पर नहीं है। और एक चीज़, जैसे आप क्रोस की बात करो, पैरट्स की बात करो, तो इनका जो लाइफ स्पेन है वो बहुत अलग है हमारे डिफरेंट ऑर्गेनिज्म से। हैं बहुत छोटे, लेकिन उसके बाद भी आपका जो लाइफ स्पेन है वो एक ग्रेट डाइवर्सिटी शो करते हैं दूसरे ऑर्गेनिजम्स के कंपेरिजन में। क्लियर? तो ये हमारा क्या है, बेसिकली पूरे के पूरे लाइफ स्पेन को हमने चार पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम रिप्रोडक्शन की। पहली चीज़ तो रिप्रोडक्शन एक वो बायोलॉजिकल फिनोमेना, मैं वापस से आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ व्हाट इज़ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन इज दैट बायोलॉजिकल प्रोसेस और दैट बायोलॉजिकल फिनोमेना इन विच ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसेस इट्स यंग वंस। मतलब वो फिनोमेना, वो प्रोसेस जिसमें एक ऑर्गेनिज्म अपने यंग वन को प्रोड्यूस करने का काम करता है, वही फिनोमेना आपका क्या कहलाता है, सिंपल बात करें तो रिप्रोडक्शन कहलाता है। आई एम रिपीटिंग अगेन, रिप्रोडक्शन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस और इट इज़ अ बायोलॉजिकल फिनोमेना बाय विच अ लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसेस, और सिंपल कह सकते हैं सिंपल प्रोड्यूसेस इट्स यंग वंस। यंग वंस को बनाने का जो काम किया जा रहा है वो किसके थ्रू किया जाता है, इसी रिप्रोडक्शन के फिनोमेना के थ्रू किया जाता है। क्लियर? आगे जो यंग वन है ये सबसे पहले आएगा, आके मैच्योर होगा, मैच्योर होने के बाद रिप्रोड्यूस करेगा, रिप्रोड्यूस करके डेथ हो जाएगी, और वो जो नया ऑर्गेनिज्म उसने प्रोड्यूस किया है वो वापस से एक न्यू ऑर्गेनिज्म बना देगा। तो जब भी आप बात कर रहे हैं डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स की, तो दीज ऑर्गेनिजम्स आर बेसिकली द यंग वंस ग्रो मैच्योर टू रिपीट द प्रोसेस। द यंग वन ग्रो मैच्योर टू रिपीट द प्रोसेस, वापस से उसी प्रोसेस को रिपीट करने के लिए यंग वन क्या करता है, मैच्योर होता है, रिप्रोड्यूस करता है। सेम यही साइकिल जनरेशन टू जनरेशन चलती रहती है, और कोई भी ऑर्गेनिज्म एक जगह से दूसरी जगह पर आगे बढ़ जाता है। फिर हमने आगे क्या देखा, हमने देखा कि भाई रिप्रोडक्शन जो है एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। मैं बार बार आप लोगों को रिपीट कर रही हूँ कि इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर फॉर
maintaining the continuity of the life, or it is a most important characteristic feature of a living organism because it maintains the continuity of life. मतलब किसी organism की life को set करना है, किसी organism की life को बनाना है, तो उसको बनाने के लिए most importantly what you need reproduction. जैसे मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको देती हूँ कि कोई भी लाइफ जब इस अर्थ पे से ख़त्म हो रही है, तो उस लाइफ के ख़त्म होने का मतलब क्या है? उस लाइफ के ख़त्म होने का मतलब है कि उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का जो रिप्रोडक्शन है वो ख़त्म हो चुका है. जो मेंबर जितना स्पीडली रिप्रोडक्शन को परफॉर्म करता है उतना उसके एक्सटिंक्ट होने के चांसेस कम होते हैं. लाइक अगेन एक बहुत ही बेसिक सा एग्जांपल कि आज की जनरेशन में जितने ह्यूमन की पॉपुलेशन है वो रिप्रोड्यूस करना बंद कर दे तो पॉपुलेशन आफ्टर सम टाइम ख़त्म हो जाएगी. लाइक हमने लाइफ स्पेन बोला एक ह्यूमन का लगभग 60-80 ईयर्स, तो जो पर्सन या जो मेंबर आज बॉर्न हुआ है उसकी लाइफ स्पेन को अगर हम 80 साल तक देखते हैं तो 80 साल तक जिएगा और 80 साल के बाद ह्यूमन की पॉपुलेशन इस अर्थ पे से ख़त्म हो जाएगी. Why? Because of reproduction. क्योंकि reproduction जो है वो perform नहीं करवाया जा रहा है. तो reproduction को perform करवाने का main reason, main logic ही क्या है कि हमारी जो life है इस अर्थ पे यूं ही बनी रहे. Clear? अब purpose क्या है वही reproduction का? तो आप कह सकते हैं continuity of life, population organism की बढ़ाना, variation को लाना और life का इस अर्थ पे present होना ही क्या है reproduction का purpose है. मैं आप लोगों को चार चीज़ें क्या क्या बता रही हूँ एक बार देख लेते हैं. पर्पस ऑफ रिप्रो देखें, मतलब वही अगेन वही सेम चीज़ जो मैं रिपीट कर रही हूँ बार बार कि भाई रिप्रोडक्शन का पर्पस क्या है या रिप्रोडक्शन क्यों परफॉर्म करवाया जाता है. तो सबसे पहले कंटिन्यूटी ऑफ द लाइफ, पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, मतलब रिप्रोडक्शन जो है वो किसी भी पॉपुलेशन के को मेंटेन करने का काम करती है. तीसरी बात करें तो वेरिएशन, थर्ड इज़ योर वेरिएशन एंड फोर्थ इज़ योर लाइफ. तो देख लेते हैं, सबसे पहला कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ, सेकेंड हमने बात करी मेंटेन पॉपुलेशन, थर्ड हम बात कर रहे हैं आपकी वेरिएशंस भी रिप्रोडक्शन की वजह से ही आते हैं, और फोर्थ है हमारा लाइफ. मतलब हमारे इस अर्थ पे लाइफ को बनाने का काम भी कौन कर रहा है? हमारा रिप्रोडक्शन ही कर रहा है. मतलब लाइफ एग्जिस्ट ऑन अर्थ ड्यू टू द रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म. इस अर्थ पे जो लाइफ है, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स आपको दिख रहे हैं, वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स किसकी वजह से ही प्रेजेंट हैं? तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द रिप्रोडक्शन, प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन. मतलब रिप्रोडक्शन का प्रोसेस परफॉर्म होने की वजह से ही ये ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस कर पाते हैं, मतलब एक लाइफ को सेट कर पाते हैं. भाई बेसिक फीचर की बात की जाए रिप्रोडक्शन के, तो क्या है? ये तो आपका पर्पस हुआ रिप्रोडक्शन का. अब मैं बोलूँ कि भाई रिप्रोडक्शन को करवाने के लिए क्या क्या फीचर्स जो हैं, मतलब क्या क्या चीज़ें यहाँ पर होती हैं, फीचर्स क्या क्या हैं हमारे रिप्रोडक्शन के. तो सबसे पहली चीज़ अगर मैं बात करूँ तो आरएनए का सिंथेसिस है, प्रोटीन का सिंथेसिस है, अलग अलग मॉलिक्यूल्स का, क्योंकि भी रिप्रोडक्शन का मतलब है एक ऑर्गेनिज्म का दो में कन्वर्ट होना. तो जब तक कंटेंट हमारे पास नहीं होगा जब तक डबलिंग नहीं होगी. दूसरा मैंने आपको बोला डीएनए का रेप्लिकेशन, डीएनए का डबलिंग. उसके बाद हम बात करते हैं सेल डिवीजन, क्योंकि जब आप रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं तो रिप्रोडक्शन का मतलब सिर्फ नहीं है कि हमारी बॉडी का
एक यंग वन बनाना। रिप्रोडक्शन का मतलब है एक सेल से दो सेल में भी कन्वर्जन जो कहलाता है, जैसे हम मियोटिक और माइटोटिक डिवीजन पढ़ चुके हैं, वो भी आपका क्या बनाता है, रिप्रोडक्शन ही बनाता है। क्लियर? तो डीएनए का रेप्लिकेशन, सबसे पहले प्रोटीन्स हैं, आरएनए हैं, इन सब का डिवीजन। इसके डिवीजन के बाद हमारा सिंपल बात करें तो डीएनए का रेप्लिकेशन, डीएनए के रेप्लिकेशन के बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम बात करते हैं आपके सेल का डिवीजन, और सेल डिवीजन के बाद जब आप आगे बढ़ेंगे तो सेल डिवीजन के बाद हमें क्या दिख रहा है भाई, जो ऑर्गेनिज्म बना है अब वो ऑर्गेनिज्म आपका क्या होगा, डिफरेंट मतलब रिप्रोडक्टिव यूनिट को बनाएगा, ग्रो करेगा, मतलब सेल बना, सेल ग्रो करा, सेल ग्रो करने के बाद रिप्रोडक्टिव यूनिट को बनाएगा, और रिप्रोडक्टिव यूनिट बनाने के बाद जो फॉर्मेशन है नए इंडिविजुअल की वो हो जाएगी, और यही सेम साइकिल जो है रिपीट होगी। सबसे पहले आप डबलिंग वर्क करवाइए आरएनए डीएनए के कंटेंट में, प्रोटीन के कंटेंट में, फिर आप डीएनए का रेप्लिकेशन करवाइए। डीएनए का रेप्लिकेशन होने के बाद हमारा सेल डिवीजन करता है, सेल डिवीजन करने के बाद सेल ग्रो करेगा, सेल ग्रो करने के बाद वापस से वही रिप्रोडक्टिव यूनिट बना देगा जिससे ये सारा काम परफॉर्म किया गया है। तो इस तरीके से हमारा रिप्रोडक्शन जो है वो कम्प्लीटली परफॉर्म हो जाता है। क्लियर? अब जब आगे बढ़े तो आगे बढ़ने पर हमने क्या देखा, हमने देखा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बेसिकली टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन को समझने से पहले हम मतलब कैरेक्टर्स को समझने से पहले रिप्रोडक्शन के टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन देख लेते हैं भाई। हम बहुत ही बेसिक सी बात करें, स्टार्टिंग से फ्रॉम द 8th स्टैंडर्ड 10th स्टैंडर्ड हमें रिप्रोडक्शन के टाइप बताए जाते हैं। टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, हमने रिप्रोडक्शन को हेडेस कैटेगरी के बेसिस पे दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मतलब बेसिकली आपने रिप्रोडक्शन को कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। अब ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, और इन दोनों में आपस में एक दूसरे से कैसे डिफरेंस मेंटेन होता है, ये हम पढ़ेंगे आगे। लेकिन उससे पहले मतलब जब तक मुझे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पता नहीं होगा, जब तक मैं इन दोनों में डिफरेंस भी जनरेट नहीं कर पाऊंगी। तो डिफरेंस को समझने के लिए पहले हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं, फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिटेल में तो हम दो चैप्टर में आगे और पढ़ेंगे, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है वो पढ़ेंगे, और उसके बाद लास्ट में मैं आप लोगों को एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बेसिक डिफरेंसेस क्या होते हैं उन डिफरेंसेस को एक्सप्लेन करूंगी। क्लियर? तो सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या समझना है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सबसे पहले अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिफाइन करें तो क्या मतलब है इसका, जब भी कोई ऑर्गेनिज्म सिंगल पेरेंट से ही बना दिया जाता है विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द बाई पेरेंट, मतलब सिंपल मैं बोलूं, व्हेन ऑफस्प्रिंग आर प्रोड्यूस्ड बाय अ सिंगल पेरेंट विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द गैमेट फ्यूजन द रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड एज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मतलब वो काइंड ऑफ रिप्रोडक्शन, वो फिनोमिना जिसके थ्रू हम कंटिन्यूटी सेट कर रहे हैं, जिसमें एक सिंगल पेरेंट से ही एक नया ऑर्गेनिज्म, एक नया यंग वन बन जाता है
बिना गैमीट्स के बने हुए, बिना गैमीट्स के फॉर्म हुए हुए हुए, और हम क्या करते हैं आपका एक नया ऑर्गेनिज्म बना देते हैं, वही प्रोडक्शन आपका क्या कहलाता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है। क्लियर? आई एम रिपीटिंग अगेन, मैंने क्या डेफिनेशन बोला, मैंने बोला द फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू यंग वन फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द गैमेटिक फ्यूजन इज कॉल्ड द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इस फिनोमेना को, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। मतलब एक ही पेरेंट एक नया यंग वन बना दे, किसी दूसरे पेरेंट की ज़रूरत हमें ना पड़े। उस कंडीशन में आपने क्या बोला रिप्रोडक्शन को, उस कंडीशन में आपने रिप्रोडक्शन को बोला एसेक्सुअल। जो रिजल्ट है अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, इसमें हम क्या देखते हैं, जो ऑफस्प्रिंग बना वो बिल्कुल सिमिलर होता है एक दूसरे के साथ। मतलब जैसे ये मेरा पेरेंट था, जैसे हम अमीबा के साथ कई बार ऐसा पढ़ते हैं, ये एक अमीबा है, इस अमीबा ने डिवीजन को शो किया, और स्प्लिट हो गया, कितने मेंबर्स में, दो मेंबर्स में। ये था आपका पेरेंट अमीबी, अमीबा, ये हैं आपकी दो, डॉटर अमीबी। तो एक हुआ आपका पेरेंट अमीबा, दूसरे हुए आपकी डॉटर अमीबी। यहां पर हम क्या देखते हैं कि जो पेरेंट अमीबा है इट विल लुक एग्जैक्ट कॉपी ऑफ द डॉटर, या फिर सिंपल मैंने सेंटेंस उल्टा कर दिया, डॉटर अमीबी विल लुक एज द एग्जैक्ट कॉपी ऑफ द पेरेंट अमीबी। मतलब यही जो एग्जैक्ट कॉपी, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक ही पेरेंट स्प्लिट करके दो ऑर्गेनिज्म बना दिया, या एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मैं एक बहुत ही एक्सटर्नल आपको काइंड समझा रही हूँ, क्या बनाते हैं, एक ही पेरेंट दो मेंबर बना देता है, ये कैसा होता है आपका, एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ ईच अदर। एक दूसरे की एकदम एग्जैक्ट कॉपीज होती हैं, और यही एग्जैक्ट कॉपीज आपका क्या कहलाता है, क्लोन कहलाता है। क्लोन का क्या मतलब है, क्लोन का मतलब है वो मेंबर जो बिल्कुल अपने पेरेंट जैसा दिखे, वही रिप्रोडक्शन या वही मेंबर आपका क्या बनाता है, क्लोन बनाता है। बात को समझे, मतलब मैंने क्या बोला, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अ काइंड ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अ काइंड ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच अ सिंगल पेरेंट फॉर्म अ यंग वन विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ द गैमेटिक फ्यूजन। क्लियर? एंड द एज अ रिजल्ट ऑफ इट, एज अ रिजल्ट ऑफ इट द डॉटर सेल्स विच आर फॉर्म आर द एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ देयर पेरेंट्स। मतलब पेरेंट की ही आपस में तो एक दूसरे से सिमिलर है ही हैं, और साथ साथ पेरेंट से भी एग्जैक्ट सिमिलर होते हैं, और यही सिमिलैरिटी, यही ग्रुप जो एग्जैक्ट कॉपीज का बना है, एक दो नहीं बनते हैं बल्कि कई सारे बनते हैं, जो एग्जैक्ट ग्रुप बना है या जो एग्जैक्ट कॉपी बनी है, ये हमारी क्या होती है, मोर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली सिमिलर इंडिविजुअल बनाते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, क्लोन कहते हैं। एग्जैक्ट कॉपी ऑफ ईच अदर किस सेंस में, एग्जैक्ट कॉपी ऑफ ईच अदर है आपके जेनेटिकली एज वेल एज मोर्फोलॉजिकली। जेनेटिकली और मोर्फोलॉजिकली सिमिलर इंडिविजुअल्स को हम क्या कहते हैं, क्लोन कहते हैं। तो अगर कोई पूछे कि भाई व्हाट आर क्लोन, तो इट इज़ अ रिजल्ट ऑफ द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच ऑल द मेंबर्स आर जेनेटिकली एंड मोर्फोलॉजिकली सिमिलर विद ईच अदर। जेनेटिकली भी सेम है और मोर्फोलॉजिकली भी सेम है, यही पार्ट आपका क्या कहलाता है, हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्लोन कहलाता है। क्लियर? अब ये पार्ट हमें समझ में आ गया। नेक्स्ट देखेंगे, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इसके कई सारे काइंड्स हैं, कई सारे पार्ट्स हैं, वो सब हम एक एक करके जो है वो पढ़ने वाले हैं। उससे पहले मैं आप लोगों को क्या समझाने वाली हूँ, उससे पहले मैं आप लोगों को यहाँ समझाने वाली हूँ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मतलब भाई एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जब आप बात कर रहे हैं तो कैरेक्टर क्या क्या है इसके, मतलब क्या खासियत है, तो देख लेते हैं।
कैरेक्टर्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखें क्या होता है. सबसे पहली चीज, सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व, मतलब यूनिपेरेंटल कंडीशन बनाते हैं. सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व मीन्स यूनिपेरेंटल कंडीशन. यूनि मतलब एक, पेरेंटल मतलब पेरेंट्स. एक ही पेरेंट का प्रेजेंट होना क्या कहलाता है आपका, यूनिपेरेंटल कंडीशन कहलाती है. दूसरी हम बात करते हैं तो गैमीट जो है वो यहाँ पर नहीं बनते, फर्टिलाइजेशन नहीं होता, सिर्फ माइटोटिक डिवीजन होता है. मैंने क्या बोला, नो गैमीट फॉर्मेशन, थर्ड नो फर्टिलाइजेशन, गैमीट नहीं बनते, फर्टिलाइजेशन भी नहीं होता. फर्टिलाइजेशन के साथ साथ हमने सेल डिवीजन पढ़ा है. सेल डिवीजन हमें दो टाइप का होता है, एक माइटोटिक और एक मियोटिक. यहां पे सिर्फ ओनली माइटोटिक सेल डिवीजन, सिर्फ कैसा डिवीजन है, माइटोटिक डिवीजन ही प्रेजेंट है. माइटोटिक डिवीजन के बाद अगर हम बात करें तो जो ऑर्गेनिज्म बनते हैं वो जेनेटिकली और मोर्फोलॉजिकली आइडेंटिकल होते हैं पेरेंट से, और मल्टीप्लिकेशन जो है वो बहुत ज़्यादा फास्ट होता है. मतलब अगर मैं बोलूँ फिफ्थ पॉइंट, तो ऑर्गेनिज्म फॉर्म्ड आर जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली. जेनेटिकली भी सेम है और मॉर्फोलॉजिकली सेम है. और सिक्स सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, रैपिड मल्टीप्लीकेशन. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक रैपिड मल्टीप्लीकेशन फिनोमेना है. मतलब जो रिप्रोडक्शन करवाया जा रहा है वो रिप्रोडक्शन बहुत ही फास्ट होता है, बहुत ही तेज़ी से परफॉर्म करवाया जाता है. मतलब जब भी आप बात कर रहे हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमारा वही सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व है, गैमीट का फॉर्मेशन नहीं है, कोई फर्टिलाइजेशन नहीं है, सिर्फ माइटोटिक डिवीजन होता है, जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होते हैं, और इसके साथ साथ मल्टीप्लिकेशन बहुत मल्टीप्लिकेशन है. ये मल्टीप्लिकेशन जो है आपका बहुत ज़्यादा ही फास्ट होता है. कहाँ होता है भाई एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन? तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में इसका ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट है कि भाई एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किन ऑर्गेनिजम्स के थ्रू. आप एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ लिया अब तक, लेकिन आपको ये नहीं पता कि किन मेंबर्स के थ्रू ये जो प्रोडक्शन है ये करवाया जाता है. तो हम क्या जवाब देते हैं, जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये करवाया जाता है आपकी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, दैट इज मोनेरन्स एंड प्रोटेस्टा. मोनेरा हुआ, प्रोटेस्टा हुआ, ये इन्हीं काइंड ऑफ रिप्रोडक्शन के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं. बहुत सारे सिंपल एनिमल्स, मतलब कुछ प्लांट्स की बात की जाए और सिंपल एनिमल्स की बात करें, लाइक पॉरीफेरा, सीलेंड्रेटा, प्लेटी हेलमिंथीज, ये सब भी एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के थ्रू डिवाइड कर जाते हैं. क्लियर? और वर्टिब्रेट्स में या फिर हायर इन वर्टिब्रेट्स की बात करें तो इन मेंबर्स के अंदर बिल्कुल भी आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फिनोमेना परफॉर्म नहीं करवाया जाता. इसके साथ साथ आप जब भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो ये जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये हमारा सिंपल मेंबर्स के अंदर होता है, और इसको हमने कई सारे पार्ट्स में भी डिवाइड कर रखा है. मतलब जब भी आप बात कर रहे हो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अब कैसे परफॉर्म करवाया जा रहा है ये भी समझेंगे हम, तो वो एक फिनोमेना नहीं है, एक प्रोसेस नहीं है, बल्कि इसको हमने कई सारे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कई सारे पार्ट्स में डिवाइड किया. और एक मेन हेड कैटेगरी वेजिटेटिव प्रोपोगेशन भी है जो कि एक मेन काइंड ऑफ डिफ्रेंसिएशन बनाती है, वह नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे.